सुबह से दोपहर तक हम कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते जा रहे थे और फाइनली हम मेरे बकेट लिस्ट के डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे, मुरुड जंजीरा। मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था कि हम एक दिन में इतने सारे लोकेशन कवर कर पाएंगे या नहीं, बट मम्मी की एनर्जी देख के सफ़र बहुत आसानी से कट रहा था। हम दोनों इस फोर्ट को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। चलते चलते जाना है हमको आगे, वहाँ से हम लोग लेंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। तो बहुत दिनों से तमन्ना थी इस फोर्ट पे आने की, वो आज मम्मी के साथ पूरी हो रही है। पूरे 45 मिनट के बाद हम लोग को टिकट मिला और यहाँ पे दो टिकट खरीदना पड़ता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इस चीज़ का तो प्रायर 2 घंटा जल्दी आइए, मतलब 2 आवर्स जल्दी आइए, क्योंकि टिकट के लिए बहुत लाइन रहता है, बहुत क्राउड रहता है। तो पहला टिकट था वो आपको बोट से लेके जाएंगे किले तक, उसका 80 रुपीज़ चार्ज है और रिटर्न टिकट। एंड दूसरा टिकट है उसका 25 रुपीज़ चार्ज है, वो किले के अंदर का एंट्री फीस है। तो सबका दो टिकट निकालना पड़ता है, वो भी अलग अलग लाइन लगा के। तो ये सीन यहाँ पे है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 60 मेंबर तक एंट्री किया जाता है अंदर। वहाँ पे है मुरुड जंजीरा किला और यहाँ से हमको एंट्री है। हमारे लिए नया बोट लेके आए लोग, वो बोट फूल हो गया था, बोले नए बोट में जाएंगे। नंबर है 00217 LTD। ये हमारे लिए ये बोट है नया करके। चलिए आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। कितना लोग? 2 लोग जाओ पीछे साइड से, 2 लोग पप्पू पीछे आने आई। इस किले कड़िया नाम है जल जजीरा। जल मराठी में पानी को कहते हैं और जजीरा एक पेड़ होता है, आइलैंड होता है, तो अरबी लैंग्वेज में इसको जजीरा बोला जाता है। हमने तुमने मिला कि इसको रिपीट किया। तो बोर्ड आप लोग को यहाँ पे छोड़ते हैं और यहाँ से आपको वॉकिंग करते करते हुए किले के अंदर जाना है। चल चल चल, ओ बाप रे बाप, पोरगी आमची चढली। बाप रे, सगळ्यांना कळवत लागतील आपली घरची। पूरे पैर खराब हो चुके हैं, अभी तक किले के दर्शन नहीं लिए हम लोग को। वहाँ पे छोड़ा था, किसी किसी को यहाँ पे छोड़ा जाता है, तो पता नहीं ऐसा क्यों। कैसा लग रहा है पानी में जा रहा है। इस किले की जो फेमस होने की बात है ना, कुछ अलग ही है। हाँ, फोर्ट के अंदर इतना गर्दी है कि भाई मादर। इतनी मुश्किलों के बाद फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं मुरुड जंजीरा फोर्ट के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद 45 मिनट्स या 1 आवर का टाइम आपको दिया जाता है पूरा 22,000 एकड़ का किला एक्सप्लोर करने के लिए। और ये लोग गाइड भी करते हैं कि कैसे कैसे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं लिमिटेड जगहों पर, तो वो अभी मैं भूल गया। और ये लोग अपने को बोट में भी शूट करने नहीं देते, उसका भी एक डिसएडवांटेज है। सिर्फ एक ही मंजिल चले और किला देखिए कितना अंदर से बड़ा है। और वो जो वहाँ पे वीर है उसका पानी मीठा रहता था, भले ही ये फोर्ट खारे पानी के अंदर है, तो अभी पता नहीं इसका पानी का प्रॉब्लम क्या है। गुड फ्राइडे, बट यहाँ पे 3 बड़े बड़े तोप है, तो हम देख नहीं पाएंगे, इतना क्राउड है यहाँ पे। माय गॉड, ये बड़े बड़े तोप, मैं क्या दिखाऊं आपको इसमें,
सब बच्चे लोग इस पर चढ़ के मज़े ले रहे हैं। ये एक तोप है, यहाँ पे एक तोप रखी है, यहाँ पे तोपों को नाम भी दिया गया है कुछ तो अलग अलग, जैसे कि 1, 2 और 3। तो वहाँ पे है बाले किला, तो वहाँ पे भी जाना है। देखते हैं अभी कितने टाइम में हम लोग इस फोर्ट को विजिट कर पाते हैं। अभी से आधा घंटा बचा गया बस। 900 वर्ष झाले याला या किल्ल्याला, आणि हा अजिंक्य किल्ला आहे। म्हणजे या किल्ल्याला अजूनपर्यंत कोण जिंकला नाही। सो या किल्ल्याको अभी तक किसी ने ये नहीं किया था, जीता नहीं था, तो इसको अजिंक्य किल्ला बोलते। और ये 900 साल पुराना किल्ला है। तो चल चल, हाँ चुकू अपन किल्ला, चल। हमारी मम्मी जी उतर रहे आराम आराम से। स्टेयर यहाँ के स्टेयर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, और वो भी स्टेयर्स अभी तक उसी ज़माने के स्टेयर्स हैं, और चढ़ने के लिए हम लोग को नहीं हो रहे इतने बड़े बड़े स्टेयर्स। बेटल गुफा 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 हे बग बोले ना, सेकंड फ्लोर। हाँ सेकंड फ्लोर है। मैं दिखा रहा था उस जमाने के शौचालय, ये शौचालय था उस जमाने का, ऐसा मेरे को लग रहा है। देखिए हाँ हे बग, उस जमाने का शौचालय ये था, ये तो बसाएं काम कराए। एक इंडियन और एक वेस्टर्न ऐसा दिख रहा है, एक तो इंडियन तो कंफर्म है। यहाँ पे मम्मी ने क्या खोज की है, क्या खोज किया आपने? अरे बाप रे, यहाँ पे कैसे पानी आ गया? तो बोला ना पानी है, मैंने आसमानी कुड़ दरी गोरा पानी नहीं पड़ रहा है। हाँ ना, एक चीज़ ने बोला था पानी है, पानी से रशिया वाले आ रहे। यहाँ पे पानी है, पता नहीं पानी कहाँ से आया, और ये मीठा पानी है। इतना बड़ा फोर्ट है और ये सब चीज़ें ढूंढना मुश्किल है। ओह माय गॉड, तिकडे जायचं होतं आपल्याला। वाव, ये मीठे पानी का स्रोत, वो मछलियां भी है यहाँ पे। देखो देखो कितने मोटे मोटे मासे आते। कमरा है यहाँ पे, तो ये एक महल जैसा है, पुराना बहुत हो गया और अच्छे से रखा भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा लग रहा है जाने दी मेरे अंदर। हाँ तो ये है महल, अभी इसमें चलते हैं। उस बुरुज पे भी एक तोप दिख रही है, बट वहाँ पे ज़्यादा कोई जाता नहीं क्योंकि जंगल जंगल हो गया पूरा। यहाँ पे एक महल है, वो भी हम लोग जा सकते हैं। इसको 22 ईयर्स लगे थे बनाने के लिए, 22 साल, और इसको पूरी तरह से उत्तर को निकाल निकाल के बनाया। इस किले का इतिहास, इस किले की कहानियाँ शायद मैं इस वीडियो में ना बता पाऊँ, बट इस किले का इतिहास इतना बड़ा और इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको ज़रूर कहूँगा आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए एंड इस किले को खुद एक्सपीरियंस कीजिए। इस किले को राजा रामराव पाटिल ने कोली लोगों के लिए दुश्मन से दूर और पीसफुल रहने के लिए 1200 सदी में बनाया गया था। वो हम लोगों ने बड़ा वाला तालाब देखा था, और वहाँ पे एक छोटा तालाब है एंड वो वहाँ पे मस्जिद है, और यहाँ पे एक महल जैसा अंदर ही कुछ तो बनाया था। और ये रहा बाले किला।
इस किले को अजिंक्य किला भी कहा जाता है। इस किले को आज तक कोई भी जीत नहीं पाया था, सिर्फ एडमिरल पीरम खान ने इस किले को धोखे से हासिल किया था। इस फोर्ट का काफ़ी बड़ा इतिहास है, बोलने जाऊंगा तो ख़त्म नहीं होगा एंड ख़त्म हो गया तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप खुद ही आके एक्सपीरियंस कीजिए, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड यहाँ के जो बोट वाले रहते हैं वो आपको पूरा इसका हिस्ट्री बता देंगे, बट आपको रिकॉर्ड नहीं करने मिलता, काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया इस बारे में सब कुछ। काफ़ी धूप है, 4 बजे अभी हम लोग आए थे यहाँ पे 3:15 को। हाँ क्या तिकड़ून पानी आता है चांगला चांगला खूब चांगला, ये किल्ले का पानी है। खराब झाला आहे, आधी होतं गोड बरोबर, विहिरीला चांगला आहे। फोर्ट का पानी आपको मिलेगा पीने के लिए, फोर्ट के अंदर 3 विहीर है, इसमें से एक विहीर का पानी आप पी सकते हैं, मतलब बावड़ी का पानी आप पी सकते हैं, और 2 बावड़ी का पानी मीठा है बट पीने लायक नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे पीछे एक बावड़ी है वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पे फ्री में सबको पानी पिलाते, बिकॉज ये किला घूमना आसान नहीं है आपको जितना लग रहा है। और मैंने भी अभी बहुत सी चीज़ें मिस की है, नेक्स्ट टाइम वापस आना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम अप हो गया, बट पानी काफ़ी टेस्टी था एंड आपको फ्री में मिलता है, आपको जो चाहिए आप पैसे उनको दे सकते हैं आपके हिसाब से। तो अभी बढ़ते हैं वापसी की तरफ एंड मिलते हैं इसको क्रॉस करके। आपकी एंट्री होती है वो साइड से और हम लोग एग्जिट कर रहे हैं इस साइड से, चलिए अभी निकलते हैं इस से बाहर। तो अगर आप लोग फोर्ट का टिकट मतलब एंट्री टिकट भूल जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं अगर आप लोग वहाँ पे नहीं निकलते हो। अभी यहाँ पे तो ये महादरवाजा है और यहाँ से हमारी एग्जिट होने वाली है अभी। और यहाँ से वो है हमारी बोट। हेलो हेलो हेलो, कोस्टल पैराडाइज, यहाँ पे आपको टिकट मिलता है वहाँ पे एंड वहाँ से आपको एंट्री मिलता है और यहाँ से एग्जिट ऐसा है, और वो रहा जंजीरा जो विलेज है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी वहाँ से थोड़ा कुछ फ्रेश हो जाएंगे और निकलेंगे हमारी नेटिव प्लेस की तरफ। बाल गणेश मंदिर, वाह। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे घर पे, घर थोड़ा मैसी है अभी तक, घर का काम चालू है पूरा नहीं हुआ। अभी इस ब्लॉग को या इस जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी इस वीडियो का पार्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लीव योर लाइफ इन हेवन नॉट लाइक इन हेल। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पहले हम दोनों फर्स्ट टाइम आए, हमारा गाँव होके हमारे गाँव के बाजू में होके हम फर्स्ट टाइम आए। मम्मी बोल रही है बचपन में रायगढ़ गई थी।